गुड मॉर्निंग बच्चों, जामिया मिलिया हायर सेकेंडरी स्कूल तिलई बाजार घीनपुर प्रयागराज की सामाजिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं हूं आशीष गुप्ता। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अपने समकालीन भारत भाग दो के अंतर्गत जो हमारा तीसरा अध्याय था, उसका नाम था जल संसाधन। जल संसाधन के अंतर्गत जो हमारी अगली कड़ी चल रही थी वो थी बहुउद्देशीय नदी परियोजना, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा अब तक दामोदर भाखड़नांगल परियोजना, रिहांद और टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। इन सभी का हम लोगों ने अवलोकन किया था। आगे की ओर चलते हम लोग नागार्जुन सागर बांध परियोजना, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इसे देखिए और इसे सुनिए और अपने रब कार्यों में इसके नोट डाउन करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो नागार्जुन सागर परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के समीप एक है तालगोंडा जिले, ठीक, तालगोंडा जिला है, वहाँ पे कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के तालगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 815.6 यानी, ठीक है, मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना के घरेलू और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश की, ठीक है, 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि जो कृषि भूमि पर सिंचाई भी की जाती है। यानी इस सागर बांध परियोजना से विशेष रूप से ये दो काम, तीन काम होते हैं। एक तो 815.6 मीटर यानी मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है और 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई भी की जाती है। तो ये बच्चों था सागर बांध परियोजना, ठीक है। तो इसमें एक विशेष रूप से जान जाइए जो हमारा तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। अब भारत में कुल कितने राज्य रह गए हैं? 28 राज्य हो गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया, अब वो सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत गिना जाता है। तो हमारे जो आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं? 9 हैं, ठीक है, पहले 7 थे, तो अब जो 9 थे अब वो हो गए 8, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसके जो दमन द्वीप था उसको एक कर दिया गया है, तो दोनों जो अलग अलग थे उनको एक कर दिया गया, तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। तो आगे चलेंगे बच्चों, तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है, ये क्या है? यह परियोजना कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, ठीक है। जो तुंगभद्रा परियोजना है ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, तुंगभद्रा है, जिसका निर्माण 1956 में कब किया गया था? 1956, ठीक है, 1956 में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में किया गया था। तो जो तुंगभद्रा परियोजना है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, जिसका निर्माण कहाँ किया गया था? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में 1956 में किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत बच्चों, ठीक है, 2 विद्युत गिरियों और 72,000 किलो विद्युत का उत्पादन किया जाता है। साथ ही इससे निकली नहरों से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की, जो आंध्र प्रदेश के लगभग 3.32 लाख जो हेक्टेयर भूमि है सिंचित होती है। यानी इस नहर परियोजना से, ठीक है, एक तो विद्युत उत्पादन भी किया जाता है और कृषि भूमि के लिए सिंचित भी किया जाता है। तो ये तुंगभद्रा परियोजना थी, आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आगे है इंदिरा गांधी, ठीक है, नहर परियोजना, यानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को जाना जाता है, उनके नाम पर बनाई गई परियोजना थी। तो देखिए ये क्या है, यह राजस्थान की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है, यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो जब पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भारत की कौन सी है, तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और ये देखिए ये परियोजना क्यों विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ये क्योंकि ये बच्चों राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में बनाया गया है। और ये राजस्थान कैसा इलाका है आपको पता है ना, सूखाग्रस्त इलाका है, तो इसमें ये समझ लीजिए ये क्या है, बहुत ही अमूल्य है, यानी समझ लीजिए उनके लिए एक तरीके से मुहारा क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए, यानी बहुमूल्य एक तरीके समझिए ये सागर परियोजना उनके लिए सिद्ध होती है। तो चलिए देखते हैं, यह राजस्थान की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना तथा विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के लिए जल की आपूर्ति पोंग जलाशय से, किस जलाशय से? पोंग जलाशय से होती है। यानी जो इंदिरा गांधी नहर बनाई गई एक जलाशय से वहाँ पानी गिरता है और पानी बह के इस क्षेत्रों में जाता है, ठीक है। इस नहर का उद्गम सतलज यानी सतलज और ब्यास दो नदियों के संगम से होता है, ठीक है। जो इंदिरा गांधी परियोजना है वो सतलज और ब्यास नदियों के संगम से होता है, और ठीक है, नदियों के संगम पर निर्मित हरिके और बैराज से हुआ है, ठीक है। तो यानी जो स्थान है उसका हरिके और बैराज से हुआ है,
उल्लेखनीय है, आगे कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि इसका शुभारंभ, ठीक है, 1958 में और वर्ष 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी परिनय कर दिया गया। ठीक है, शुरू में इसका नाम, शुरू में जो ये 1958 बना था इसका कोई नाम नहीं था, बाद में 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी परिनय कर दिया गया था, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इनके नाम पर कर दिया गया था। तो आगे है, इस परियोजना के दो भाग हैं, एक तो 204 किलोमीटर, ठीक है, 204 किलोमीटर जो लंबी राजस्थान की सहायक नहर है, जिसका 167 किलोमीटर भाग पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में जाता है और शेष भाग 37 किलोमीटर, ठीक है, जो है वह राजस्थान में पड़ता है, और 445 जो किलोमीटर लंबी लंबी जो राजस्थान की नहर है इसके अंतर्गत इसका सिंचाई कार्य किया जाता है। तो ये विशेष रूप से राजस्थान के लिए बनाई गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके लिए विशेष परियोजनाएं थी। नीचे कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं वो देख लेते हैं जो आपके एग्जामों में ऑब्जेक्टिव करके दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कर अन्य नदी परियोजनाओं के अंतर्गत, एक तो देखते हैं जो आपके पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत चेना, ठीक है, सलाल परियोजना, ये चेनाब नदी पे है। आपसे भारत का जो इसमें मैप, इसमें ज़्यादातर मानचित्र क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये मानचित्र के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाता है वह स्थान दर्शाइए जहाँ सलाल परियोजना स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर के निकट स्थित है चेनाब नदी, तो आपको यह पूछ लेता है सलाल परियोजना किस नदी पर बना, तो आप बताएंगे किस पर, चेनाब नदी पर यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा सलाल परियोजना चेनाब नदी पर, भाकर नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर, टिहरी है आपके भागीरथी यानी गंगा नदी पर, नरौरा ये गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और फिर राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल पर है, और गांधी सागर परियोजना चंबल, और कोटा बैराज ये भी चंबल में है, सरदार सरोवर नर्मदा यानी गुजरात में है। आगे देखेंगे कोयना, ठीक है, ये आपके कृष्णा नदी पे है, नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर, तुंगभद्रा ये भी कृष्णा नदी पर, हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर। इसके बाद दामोदर परियोजना ये भी दामोदर नदी पर, फिर मैटूर परियोजना ये कावेरी नदी पर, तिलैया परियोजना ये दामोदर नदी पर, कृष्णराज सागर परियोजना ये कावेरी नदी पर। जैसे आपको दे देता है नीचे, ठीक है, तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, दामोदर नदी पर स्थित है। तो ये बच्चों विशेष रूप से था आपका यहाँ तक, अगर यहाँ तक कोई समस्या हुई तो आप बताइए, इसका हल कर दिया जाएगा। अगली कड़ी में हम लोग मिलेंगे कल समापन की ओर, आपका यहाँ से पाठ समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कृषि के अंतर्गत। तो अगर किसी प्रकार कोई समस्या हुई है तो आप बताइए, तब अगली क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।